जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, उसको आज हमने छू करके महसूस किया है। और ये संभव हुआ कि यहाँ प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, लेकिन उस प्रकार के वातावरण में, हमारे वर्क एनवायरमेंट में उस तरह की अनुकूलता नहीं थी। और इसलिए धन्यवाद करना है मोदी जी ने, जब अंतरिक्ष को पुरानी, अंतरिक्ष के विभाग को पुरानी बंदिशों से मुक्त किया तो कुछ ही वर्षों के भीतर इस तीव्र गति का क्वांटम जंप हुआ है। और कहां ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज से 60 साल पहले, जब विक्रम साराभाई साइकिल के कैरेज पर लॉन्चर चलाया करते थे। और आज हमारा मिशन जाकर के जल के होने का प्रमाण लेकर आता है। और आने वाले समय में देश जो पहले भारत को से अपेक्षा करते थे कि भारत उनका अनुसरण करेगा, वो भारत की अगुवाई में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, और ऐसे अगर देखा जाए तो चौथा देश है। एक बड़ी कामयाबी वो 17 मिनट जिसको कि लेकर के बड़ा उहापोह की स्थिति थी, आप भी जब बैठे हुए थे तब सोच रहे थे कि होगा कि नहीं, लेकिन अब मिशन पूरा हुआ। मुझे लगता है कि अगले 25 वर्ष का जो अमृतकाल, जिसका उल्लेख अक्सर प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और भारत जब एक ऊंचाई की तरफ, उस शिखर पटल की तरफ बढ़ेगा, उसका वो असेंट का सफर आज अंतरिक्ष के माध्यम से प्रारंभ हो चुका है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे भी, चाहे सूर्य का मिशन हो, गगनयान हो, इस तरीके के आगे भी मिशन भारत के जारी रहेंगे, आगे किस तरीके का प्लान है इस सफलता के बाद? सबसे पहले तो हमारा गगनयान एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए आरंभिक एक अनमैन्ड 2 मिशन रहेंगी,